नमस्कार सत सत्याकाल राम राम साहब हमारे स्वागत है हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं बाबा रामदास जी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाबा बाबा रामदास रामदास जी जी नहीं थे अजीत सिंह जी थे आज से ढाई साल पहले तकरीबन तब से मैं इनसे टच में, इन में हूँ और देखिए जीवन का जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं अजीत सिंह से बाबा रामदास बन गए और अपना एक बहुत अच्छा चैनल शुरू किया बाबा की खरी खोदी वो तो क्या पुराना है वो वो काफी पुराने समय से चल रहा है और बाबा रामदास जी की पकड़ जो पॉलिटिक्स में है वो काफी अच्छी है है तभी से है, आज की नहीं है तभी से है सो आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पॉलिटिक्स के बारे में तो स्टार्ट हम बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवंत मान ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी की नैया डुबोने वाले हैं पंजाब में जी देखिए भगवंत मान तो एक जो, जो मेन फिगर था पार्टी को खड़ा किया था कैनेडा अमेरिका के खालिस्तानियों ने और उन्होंने ही इनके लिए फंडिंग की और वोट की व्यवस्था की थी अदरवाइज तो इनको कोई खड़ा ही नहीं होने देता पंजाब में मुझे तो आय आई एम एसोसिएटेड विद दिस पार्टी फ्रॉम डे वन जिस दिन पहली बार मैं भी अन्ना की टोपी लगा के लोग गए थे पहली बार हमने कैंडल मार्च जब निकाला था तो आई वॉज वन ऑफ दम इन पंजाब तब इनकी तरफ कोई झांकता नहीं था हम लोग हम लोग इसके फाउंडर मेंबर थे पंजाब में उसके बाद ऑल ऑफ जिसे कहते हैं ना रातों रात पूरा पंजाब झाड़ू 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 करने लग गया क्योंकि खालिस्तानियों ने कनाडा अमेरिका में बैठ के यहां के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके खालिस्तानियों ने बोला कि हमारा एजेंडा ये लोग कर चलाएंगे इसलिए इनको उठा लो पब्लिक ने जो खालिस्तानी सेंटिमेंट था उन्होंने इनको पर बिठा लिया तो उधार का सिंदूर था जी तो पिछले दो सालों में खालिस्तानियों ने अपना समर्थन वापस खींच लिया बाकी पार्टी जेल चली गई लोगों को पता लग गया कि जो खुद को दुनिया का सृष्टि का एकमात्र ईमानदार भारतीय राजनीति के तो अब आम आदमी पार्टी के पास बचा क्या है फ्रीबीज के नाम पे मुफ्त बिजली के नाम पे और दो चार और मुफ्त खोर जो बचे हैं वो उतने तो रहते ही हर पार्टी में रहते अभी सत्ता में है इसलिए एकदम जीरो नहीं हो जाएंगे पर एक बार जैसे ही राज्य की सत्ता गई फिर जीरो हो जाएगी पार्टी एकदम अभी चूंकि सत्ता में है तो इसलिए दिखाई देती है। जी जी इस वक्त भगवंत मान के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है बैक ऑफ द सीन कहा जा रहा है कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हट सकते हैं मतलब आम आदमी पार्टी को दो पार्टीज में तोड़ सकते हैं और उनके कुछ एक ये बातें इसलिए भी उभर कर आ रही है क्योंकि पीछे वो कई उनकी जो मीटिंग्स रही हैं, चाहे जेपी नड्डा जी के साथ में अमित शाह जी के साथ में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, जी। देखिए ये अटकलबाजी है और भारतीय राजनीति में अटकलबाजी कोई नई चीज नहीं है अटकल आप कुछ भी लगा लीजिए अभी फिलहाल देखिए बात यह है कि फिलहाल भगवंत मान को पंजाब आम आदमी पार्टी को टच करने की जरूरत नहीं है जब इनको गद्दी पे बिठाया गया था उससे पहले अगर आपको 2017 का दौर याद हो तो भी सवाल ये उठता था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो केजरीवाल खुद बनना चाहता था फिर बाद में उसको लोगों ने समझा दिया कि पंजाबीज विल नेवर एक्सेप्ट नॉन नॉन जाट तो इस इस ख्वाब को भूल जाओ खैर 2017 में तो आर्टिफिशियली इनको रोक दिया गया था सत्ता में आने से और उसमें एक बड़ी टैसे अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कांग्रेस की अकालियों की और भाजपा की और दे एक दूसरे को इन्होंने वोट शिफ्ट कर दिया था इसलिए रुक गए थे इस बार जब इनको सत्ता में आए तो पहले से तय हो गया था कि भगवंत मान के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो पर इन्होंने इसको कठपुतले सीएम बना के रखा और राघव चड्डा एंड पूरी जो दिल्ली की इकाई है वो कंट्रोल करती थी भगवंत मान को पर फिर जब से पार्टी जेल चली गई अब तो केजरीवाल भी जेल में है भगवंत मान पता नहीं आ, क्यों इनकी पालकी ढो रहे थे केजरीवाल के पास पुलिस नहीं थी केजरीवाल के पास चूंकि वो तो एक म्यूनसिपैल्टी का ग्लोरिफाइड मेयर मानता हूं मैं उसको तो उसके पास कुछ था नहीं तो उसको देश में प्रचार करने के लिए हवाई जहाज की जरूरत थी तो भगवंत मान ने हवाई जहाज किराए पे लिया अब वो जाए कैसे तो था भगवंत मान एक शॉफर की तरह उसके साथ ट्रेवल करता था पूरे देश में अब जब से वो जेल गया तो भगवंत मान को बड़ा आराम है दूसरी बात है राघव चड्डा पता नहीं है उसकी आंखें बची है या चली गई लोग बता रहे हैं कि राघव चड्डा तो अंधा हो गया अभी आजकल से चल रही है पता नहीं क्या सच्चाई है पर कुल मिला वो कनाडा में सॉरी इंग्लैंड में छुपा हुआ है पता नहीं क्या सोच रहा है वहीं से बैठ के कुछ न कुछ अफवाहें उड़ाता रहता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाला है तो अब एक बात बताओ कितना बड़ा जन नेता है राघव चड्डा अगर आम आदमी पार्टी का उसको सपोर्ट ना हो तो वो क्या अपनी एमएलए की सीट भी जीत सकता है क्या तो वो कठपुतली सीएम के ऊपर बिठा रखा था केजरीवाल ने अरे वो 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 दौर था जब वो उसका दमाद बनने वाला था ऐसी अफवाहें उड़ती रहती थी फिर बाद में वो दमाद भी नहीं बना उसने प्रणीति चोपड़ा से शादी कर ली तो अब बात यह नहीं जी भगवंत मान के सिर पर कोई है नहीं तो एक तरह से वो पुराने जमाने में नहीं होता था मिडीवेल इंडिया में जो राजा दिल्ली में बैठता था आगरे में बैठता था तो जो दूर बैठा हुआ जो सूबेदार होता था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था है जी तो आम आदमी पार्टी में यही हो रहा है तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के कोई वाली वारिश है नहीं पंजाब में तो वाई शुड भगवंत मान ब्रेक हिज पार्टी अगर कल को बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अब सीएम हो गया हाँ नाउ ही इज एट लास्ट इज द फुल सीएम ही कैन क्लेम टू बी अ इंडिपेंडेंट सीएम अब तक तो बेचारा कटपुतली था तो अभी व्हाई शुड ही ब्रेक द पार्टी अभी जरूरत नहीं है हम्म अभी जरूरत नहीं है चलकर अगर केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो देखिए जब तक भगवंत मान को हटा के किसी अन्य को बैठाने की नौबत नहीं आएगी तब तक आम आदमी पार्टी पंजाब या पंजाब सरकार को डिस्टेबलाइज होने का कोई कारण मुझे नहीं दिखता और भाजपा कभी भी पंजाब को डिस्टेबिलाईज नहीं करेगी क्योंकि देखिए दिल्ली में बैठी हुई भाजपा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और पंजाब बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट दे वुड नेवर 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 डिस्टेबलाइज पंजाब क्योंकि पंजाब अगर डिस्टेबलाइज होता ना जो इसकी बड़ी भारी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ेगी और भाजपा बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जी वो ऐसा कभी नहीं करेगी और ठीक है जैसे भी चल रही है ठीक ठीक चल रही है सरकार और देखिए केजरीवाल से चंगुल से छूट चुकी है पार्टी तो जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल रहा है तो अगले चुनाव तक स्टेटस को बना के रखेगी मुझे इतना पक्का पता है हाँ लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है ये जरूर देखना पड़ेगा हमें जी जी सर इससे पहले कि मैं कांग्रेस पे आऊं आखिरी सवाल भगवंत मान वर्सेस राघव चड्ढा वर्सेस केजरीवाल जी देखिए केजरीवाल सेंट्रल फिगर आम आदमी पार्टी के थे हैं और रहेंगे वो इतना धूर्त नेता है कि हम कहते थे ना कि हिंदुस्तान की ये राजनीति बदलने आया वी मच ऑफ होप हिंदुस्तान में एक बहुत साल बाद एक कोई आदमी आया था तो जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और हमारे जैसे लोग भी धोखा खा गए थे कि नहीं यार ये या आदमी तो सही लग रहा है पर बाद में हमने देखा मैंने तो देखा कि इससे ज्यादा करप्ट इससे ज़्यादा तो आज तक भारतीय राजनीति में इतना करप्ट तो कोई हुआ ही नहीं तो जी पर अब वो जेल में है और उसका एक ही यूएसपी होता था जिससे पब्लिक को उसने बेवकूफ बनाया था वो थी उसकी ईमानदारी तो वो एक्सपोज हो चुका है तो देखिए फ्रीबीज के बल पे कब तक अच्छा पंजाब में क्या था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला था ना वो जी कुछ तो पंथिक वोट आया था जो कि खालिस्तानियों ने दिया था और कुछ इतने चेंज के नाम पे रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ फ्रीबीज के नाम पे कुछ हिंदुओं का वोट इसने हासिल कर लिया था तो हिंदू तो जी हैव एन मास बीजेपी क्योंकि पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा निराश किया है आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान ने और पंथिक वोट को भी बहुत निराश किया कि पंथिक वोट को लगता था कि हमारा खालिस्तानी एजेंडा ये ये वो चल नहीं पाया क्योंकि भाई केंद्र में तो मोदी जी बैठे हैं तो आम आदमी पार्टी से पंथिक वोट भी जा चुका है आज की तारीख में और आज की तारीख में हिंदू वोट भी शिफ्ट हो चुका है तो बहुत थोड़े से वोट बचे हैं उसकी पोल आपको इस लोकसभा चुनाव में खुल जाएगी आप ये देख लीजिए ना कि जलंधर में इनका सिटिंग एमपी जिसको कि इन्होंने एमपी का टिकट दे दिया था वो अपना टिकट छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया सुशील तो, तो ये हालत है पंजाब में आप देख लीजिए आप जी तो बाबा जी अगर मैं तीनों पार्टीज को कंपेयर करूं आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो ए पहला दूसरा तीसरा आप किसको देंगे और आपकी क्या प्रेडिक्शन है अभी जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हर पार्टी का कितना 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 सीट रहेगा रफली जी देखिए सीट से ज्यादा मैं वोट शेयर डिस्कस करना चाहूंगा एक तो पंजाब में एक बहुत जबरदस्त चर्निंग चल रही है नहीं? जैसे दही को हम मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है ना तो इस वक्त तो चर्निंग हो रही है जी और वोट बैंक्स आर शिफ्टिंग अब जो पंथिक वोट था जिसे हम सिख वोट बोलते हैं कट्टर सिख वोट वो ट्रेडिशनली अकाली दल का होता था जो कि पिछले कुछ सालों में शिफ्ट होके आम आदमी पार्टी में आया था अब वो वापस शिफ्ट हो रहा है तो उसमें से सारा का सारा अकाली दल में नहीं जाएगा कुछ कुछ आम आदमी पार्टी में बचा रह जाएगा कुछ कांग्रेस में चला जाएगा कुछ अकालियों में चला जाएगा हिंदू एंड ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है बीजेपी में हिंदू इस वक्त सबसे बड़ा चंक है उसके बाद जो दलित वर्ग है उसमें स्पेशली दलित सिख अर्थात रामदास और वाल्मीकि समाज ये एक बहुत बड़ा वोटर वोट बैंक है ये भी मोटे तौर पे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये दिस बिकम्स अ मेजर चंक ऑफ अप टू फिफ्टी फाइव परसेंट टोटल वोट शेयर का हिंदूज आर ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट फोर्टी टू परसेंट एंड द दलित आर ऑलमोस्ट थर्टी टू टू थर्टी फोर परसेंट तो उसमें कुछ हिंदूज भी हैं इसलिए उसको मैं पंद्रह सोलह परसेंट दलित्स है ये बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें से कितने जाएंगे कितने रुकेंगे कहां रुकेंगे अब बच जाती है जो सिख वोट है ना उसको चार जगह बटना है पहला अकाली दल दूसरा कांग्रेस तीसरा आम आदमी पार्टी और चौथा वो अकाली दल अमृतसर जो है सिमरजीत सिंह मान और और जो इंडिपेंडेंस और खाड़कू और खालिस्तानी और ये वो जो भी रेडिकल तो सिख चार जगह बटेगा जी हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है तो वोट शेयर के मामले में आज की तारीख में मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा चंक वोट का बीजेपी के पास है आई थिंक नंबर दो पे और तीन पे लड़ाई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इनमें से कोई भी ऊपर आ सकता है और अकाली चौथे नंबर पे अब सीटें जी प्लीज कंटिन्यू बीजेपी को छह से आठ सीट आज की तारीख में आज अभी हालांकि चुनाव में एक महीना बाकी है आज की तारीख में छ से आठ सीट मैं अभी भी बीजेपी को दे रहा हूं चुनाव जो होते होते तो ये संख्या और बढ़ सकती है पर मिनिमम सिक्स टू एट सीट बीजेपी जी जी बाबा जी आप एक चर्मिन की बात कर रहे हैं पंजाब में आ, मैं चाहूंगी कि उसके जो मोटे मोटे जो मैक्रो पॉइंट्स है उस पर हम रोशनी डालें प्लस इसके साथ में पंजाब में एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो जो आई का, अल्कोहल का और खालिस्तान का इस पे आप, 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 आप आपकी क्या टिप्पणी होगी आपकी क्या एनालिसिस है इसपे जी देखिए एक बात बताऊ आपको अगर दो मोटे वोटर वर्ग पे हम डिस्कस करते हैं तो दो ब्रॉड जो वोट बैंक वो तो हिंदू सिख हो गए अब इनमें सिखों में जो रामदासिया दलित सिख है वाल्मीकि इनका एक बड़ा मोटा वो है उसके बाद बहुत सारे अब सिखों में भी दो ब्रॉड डिवाइड्स है एक जट सिख है और एक अन्य सारी बिरादरियों के सिख हैं पंजाब की यह विडंबना रही कि पिछले तीस चालीस सालों में मोटे तौर पे देखा जाए तो जट सिखों ने पूरी सिखी पे एसजीपीसी पे पॉलिटिक्स पे पूरे पॉलिटिकल स्पेस पे और सोशल स्पेस पे एग्रीकल्चर पे इनका एक छत्र कब्जा है तो जी जब किसी एक वर्ग का कब्जा होता है ना तो बाकी वर्गों में रिजेंटमेंट पैदा होता है असंतोष पैदा होता है तो नाउ इट इज इन सिक्स इट इज जट सिक्स वर्सेस अदर्स फॉर एग्जांपल द खत्रीज़ सब पहले जो दस गुरु है ना देवर ऑल खत्रीज इन सिखिज्म आज सिखिज्म पे कब्जा झट सिखों का है तो खतरी सिखों की एक बहुत बड़ी संख्या है और उनके अंदर इस बात को लेके बड़ा रिजेंटमेंट है उसके बाद पाकिस्तान से जो सिक्स माइग्रेट करके आए थे उनको यहां भापे बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि रेडिकल सिक्स नहीं है उसके बाद बहुत सारी जातियां हैं हम भाई गुरुओं ने तो सिखी की स्थापना की कि जातिवाद का उन्मूलन किया पर आज बहुत भयानक जातिवाद से समाज जो है घिरा हुआ है तो जो जाट जट सुप्रीम ऐसी है ना पंजाब में और सिखिज्म में उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पे विभाजन हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट होता और इसलिए बीजेपी इज गेटिंग अ वेरी लार्ज चंक ऑफ सिक्स राष्ट्रवादी सिख अमन पसंद शांति प्रिय सिख भी तो है ना हर आदमी को खालिस्तानी उत्पाद नहीं चाहिए लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी सूट नहीं करता इसलिए सिखों में भी दो कम्युनिटीज एक तो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी एग्रेरियन सोसाइटी जो है उनकी गेहूं उग गया वो जाके धरना पे बैठ जाते हैं सड़क पे पर भैया जो बिजनेसमैन है उसका तो बिजनेस प्रभावित होता है ना उसको तो रोज दुकान खोलनी अपनी रोज उसकी फैक्ट्री खोलनी चाहिए तो दे आर नॉट हैप्पी विद ऑल द लॉ एंड ऑर्डर इशूज इन पंजाब तो डोंट सपोर्ट दिस होली कने द रोड ये सब लोग इस चुनाव में बीजेपी को प्रेफर करेंगे ये है आज का सिनारियो तो हिंदूस प्लस दलित सिक्स रामदास वाल्मीकिज एंड द खत्रीज एंड अदर पीस लविंग नेशनलिस्ट सिक्स तो एक बहुत बड़ा वोट चंक है जिसको बीजेपी अट्रैक्ट कर रही है अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे आ जाएंगे नो 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 बट ऐसे प्रयास चल रहे हैं ऐसी हवा पंजाब में चल रही है अब तक चलती है ये तो चार जून को पता लगेगा बट ये चर्निंग है, ये वोट शिफ्ट हो रहा है एक पार्टी से ओरिजिनली ये सारा वोट कांग्रेस का हुआ करता था जो कि अब बीजेपी में जा रहा है कितना जाता है समय बताएगा जी क्योंकि हम इन सब चीजों की बात करें तो इसमें एक दो तो फैक्टर्स और हैं जैसे कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था कहा जा रहा है उसको ग्राउंड पर बहुत सपोर्ट था और पंजाब में महिलाएं जो हैं स्पेशली सिख महिलाएं क्योंकि उनको इस्तेमाल किया गया फार्मर्स प्रोटेस्ट में या सी ए के प्रोटेस्ट में इसलिए मेरा ध्यान उनकी तरफ भी है काफी देखिए जो पहला फार्मर्स प्रोटेस्ट था उसको तो समर्थन था पर वो इतना लंबा खिंच गया और उससे बहुत ज्यादा और उस फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी बहुत सारा पॉलिटिकल एंगल्स थे बाद में जब वो तीन कानून वापस ले लिए गए तब उसमें भी एक बहुत बड़ा किसान वर्ग था जो खुश नहीं था जो इनफेक्ट चाहता नहीं था क्योंकि उस फार्मर्स प्रोटेस्ट के बहुत सारे पॉलिटिकल वो थे थे जो जो सेकंड फार्मर्स प्रोटेस्ट है इसका कोई जन समर्थन नहीं आज ही एक रे, नॉर्दर्न रेलवे की एक विज्ञप्ति आई है अस्सी से ज्यादा रेलवे की ट्रेन आज टुडे ऑन फर्स्ट ऑफ मे हैव बीन कैंसल्ड ऑन अंबाला ऑनवर्ड्स अंबाला में उनको रोक दिया गया और पिछले दस दिन से लगातार दस के आप तो बारह चौदह दिन हो गए आप देश के मेन नेशनल हाईवे को और मेन रेलवे ट्रैक को जाम करके बैठे हैं किसानों को क्या फर्क पड़ता है उनके तो गेहूं की फसल कट रही है इस बार बंपर क्रॉप हुई है पर बिजनेस कम्युनिटी तो डूब गई ना अंबाले वालों से तो जाके पूछ के देखिए राजपुरे वालों से ये राजपुरा अंबाला और लुधियाना में काफी बड़ी इंडस्ट्री का वो है मंडी गोविंदगढ़ है वो सारा वो सारा पिछले दो महीने से ढाई महीने से सड़क जाम है अब रेल जाम है इंडस्ट्री इज एन अक्यूट क्राइसिस इन पंजाब तो ये सब कहने की बात है इनको कोई जन समर्थन नहीं है ये सिर्फ अपनी जिद के कारण वहां बैठे हुए हैं दिस इज प्योर पॉलिटिकल ब्लैकमेल जी और भगवंत मान से क्यों नहीं मांग रहे हैं ये फार्मर्स राइट्स या बाकी चीजें क्योंकि भगवंत मान इज द सी एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट तो उनसे क्यों नहीं डिमांड करते हैं वहां पर बैठ के सेंटर से डिमांड करने का क्या सीन बनता है मुझे समझ नहीं आता है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कि वहां की पुलिस क्योंकि पंजाब की पुलिस पिछले मई साल से मैं जब से ट्रैक करना शुरू किया मैंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पंजाब की आ, मैंने ये नोटिस किया है कि पंजाब की पुलिस हैज ऑलवेज बीन इन बैड न्यूज रादर देन गुड न्यूज इनफैक्ट रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और जिन, जो अमृतसर से इनके एमएलए हैं कुमार विजय प्रताप सिंह वो ओपनली कहते हैं कि राघव इन द ड्रग हिम और हु आर कनेक्टेड विद ड्रग माफियस और ये इन न्यूज में है आई एम नॉ एल ट्राइन टेकआउट दिक्कत क्योंकि मैंने उस पर कवर किया था वो प्रॉपर uh, नाम लेकर बोल रहे हैं कि राघव चड्डा के दो पुलिस वाले ऑफिसर्स uh, जो उनके आंखों के तारे हैं जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। जी uh, जी बाबा जी देखिए पहला सवाल आपने क्या किया था पहला सवाल कि पुलिस ऑफिसर्स uh, वहां पर इन्वॉल्व हैं और एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट तो ये जो फार्मर्स लॉस की बात कर रहे हैं ये भगवंत मान करते हैं भगवंत मान ने तो इनको चढ़ा बढ़ा के जैसे पिछली बार ये सारे बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के बॉर्डर पर जाके जम गए थे तो भगवंत मान ने इस बार फिर इनको तैयार किया बोलो जाओ दिल्ली घेर लो वो खट्टर साहब ने इनको पंजाब के बॉर्डर पे ही रोक दिया अब भगवंत वो जो गले की हड्डी थी वो जाके भगवंत मान के गले में अटक गई दूसरी बात है भाई राहुल जी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा कर दिया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दे देंगे तो भाई बात अब अब तो अब और क्या चाहिए अब सारे देश का किसान राहुल जी को जिता दो मोदी को हरा दो बात ही खत्म हो जाएगी आप बताइए ना मुझे और राहुल आम आदमी पार्टी के सैकड़ों वीडियो है जहां वो 2022 से पहले बोलते थे कि सानू साड़ी सरकार बनाओ असि कली कली फसल ते पांच मिनट च एम एस पी तो भाई मांग लो और वैसे भी स्टेट सब्जेक्ट है तो उनसे मांग लो ना पर सर मैं गायत्री जी किसानों को भी अच्छी तरह मालूम है कि एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं मिल सकती अब हुआ क्या कि इनको पक्का पता था कि ये एमएसपी मांगने आए ही नहीं है ये तो मोदी का ग्राफ डाउन करने आए थे अब खट्टर साहब ने वहीं रोक लिए अब बात ये ना कि नाउ दे वांटेड वॉन्टेड सेफ पैसेज की हमारी इज्जत बची रह जाए और बात यह ना तो इन्होंने ली है सुपारी इनको विदोषित हो ये फंडिंग के तुमको बैठना है अब पैसे ले रखे कैसे उठ जाए दूसरी चीज कुंवर विजय प्रताप सिंह नाम है उस रिटायर्ड आई थिंक आईजी थे पुलिस में अब आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं नेता हैं आम आदमी पार्टी तो जी इस वादे पे आई थी कि आते ही पांच मिनट में ड्रग की समस्या हल कर देगी एक्चुअल पोजीशन यह है कि ड्रग की समस्या पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है खुले आम बिक रही है हाँ पहले से लोग बताते हैं महंगी हो गई है क्योंकि जब भी कोई बहुत ईमानदार अफसर आ जाता है ना तो वो करप्शन को खत्म नहीं करता महंगा कर देता है ये ये जी हाँ अगर कोई बहुत ईमानदार सरकार आ गई तो समझ लीजिए कि जो काम पहले पचास रुपए में हो जाता था अब वो पांच सौ में होगा क्यों बोलते नहीं जी अब तो खतरा बढ़ गया है क्योंकि बहुत ईमानदार गवर्नमेंट आ गई है तो पचास रुपए का करप्शन का रेट जी पांच हो जाता है मतलब उनकी चांदी चांदी हो जाती है बीच में हाँ बिल्कुल और बात ये जी ये तो वादा करके आए थे कि पांच मिनट में कल्ली कली एमएसपी दे दवांगे कल कली फसलते कले कले बंदे नूं, असी ड्रग छुड़ा दवागे ड्रग मैनेज खत्म कर देंगे तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं तो अब ये जो विजय प्रताप सिंह ने जो आरोप लगाए हैं ना जी ये सब हैं तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे तो उनके अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें आरोप लगा रहे हैं पब्लिक बिचारी धोखा खा गई थी उनको लगता था कि तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी अब आप देख लो क्या तब्दीली आई है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि रोजाना बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए की फिरौती के फोन आते हैं और कनाडा अमेरिका में बैठे हुए जो यंगस्टर्स माफियाज हैं वो वसूली करने के लिए फोन करते हैं और बिचारी पंजाब पुलिस देखिए एक बात बताऊं पुलिस काम नहीं करती जो पॉलिटिकल विल पावर होती है ना यूपी में भी तो यही पुलिस थी या योगी जी ने कोई नई पुलिस पुलिस भर्ती कर ली आप बताइए ना यूपी में कोई नई पुलिस भर्ती हुई है वही पुलिस वाले हैं पॉलिटिकल विल पावर है योगी जी में उन्होंने बोल रखा है कि गुंडा गुंडे के सिर पे बुलडोजर लेके छाती पे चढ़ जाओ क्या मजाल है किसी की को चूम कर जाए यूपी में और यहां पे गुंडे जो है वो मुख्यमंत्री के और पंजाब पुलिस के सिर पे चढ़े हुए आज आप पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दो पांच मिनट में पांच मिनट लगेंगे नॉट मोर देन फाइव मिनट्स पांच मिनट में लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता है पॉलिटिकल विल पावर चाहिए जो हमारे बेचारे भगवंत मान सीएम में अभी है नहीं जी। एक पॉइंट पे रह गया महिलाओं का आपको क्या लग, क्या रोक लगता है क्योंकि महिलाएं एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ज्यादातर पंजाब की महिलाएं सिख महिलाएं या हिंदू महिलाओं के बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं होती है आप मतलब और मोदी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद करता है अगर दोनों जेंडर्स की बात करूं तो महिलाओं का प्रेम ज्यादा मिला हुआ है मोदी जी को जी बिल्कुल पंजाब की महिलाएं पंजाब में भी जो है मोदी की और योगी जी दोनों की फैन है आपको मालूम है पंजाब में मोदी से ज्यादा योगी को पसंद किया जाता है जस्ट बिकॉज नो नॉन सेंस एटीट्यूड एंड जस्ट बिकॉज वेरी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर सुशासन तो योगी को उनके सुशासन के लिए उनके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल उनके नो नॉन सेंस एटीट्यूड उनकी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड मिसगवर्नेस मो योगी टेक्स द प्रॉब हेड ऑन वो बहाने नहीं बनाते इसलिए महिलाएं उनको पसंद करती हैं और देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी भुक्त भोगी तो बेचारी महिला होती है ना जी जी बाबा जी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से फाइनल कमेंट्स में पंजाब से रिलेटेड स्पेशली मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी टिकट वितरण अभी भी पूरा नहीं हुआ है पंजाब में एक बार जब पंजाब में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा तब पिक्चर क्लियर होगी और पंजाब में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस दिस टाइम हर सीट पे मिनिमम पांच कॉर्नर नहीं तो छह सात आठ कॉर्नर कॉन्टेस्ट भी है जैसे खडूर साहब से अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वाले वो निर्दलीय लड़ रहे हैं बठिंडा से बलकौर सिंह जी फादर ऑफ श्री सिद्धू मूसेवाला उनके निर्दलीय लड़ने की बात आ रही है बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे लोगों ने खडूर साहब हमारी एक सीट है उसपे संपर्क किया कि आप सब लोग अपना कैंडिडेट हटा लीजिए जिससे कि फ्री रन मिल जाए अमृतपाल को तो सबने मना कर दिया कांग्रेस ने भी मना कर दिया अकालियों ने भी मना कर दिया आम आदमी पार्टी ने भी मना कर दिया हम, मना करते हम क्यों वॉक दे भाई तो पंजाब में देर द मल्टी कॉन्ट कॉन्टेन्ट वे एटलीस्ट फाइव कॉन्टेंटे सपा सॉरी सपा बोला बसपा भाजपा कांग्रेस अकाली और आम आदमी पार्टी ये पांच तो है ही हैं फिर छठा कोई ना कोई निर्दलीय भी खड़ा है सातवां अकाली दल अमृतसर है तो ऐसे में आपको मालूम है बहुत ज्यादा जो है ना उथल पुथल होने वाली है पंजाब की पॉलिटिक्स में इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी लेट्स सी जी थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर ज्वाइनिंग जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है बाबा जी का चैनल है बाबा की खरी खोटी और जैसे वो खरी खोटी नाम है वैसे वो खरी खरी बात करते हैं तो उन्हें भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अगर आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है मुझे फीडबैक देना चाहते हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम हर हर महादेव जय हो जय श्री राम